हजूर व सलाम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है कि उसे अगर तकलीफ़ होती है तो उस पर वो सबर करता है या उसे खुशी मिलती है तो उस पर वो शुक्र करता है तो दोनों सूरतों में अल्लाह उसको अजर अता करता है और ये सिर्फ़ शान मोमिन की ही है कि वो मुसीबत पर सब्र करे बल्कि फरमाया कि मोमिन के पाँव में कांटा भी चुभता है तो उसका भी उसको अजर दिया जाता है उसके दर्जे बुलंद होते हैं उसके गुना माफ़ कर दिए जाते हैं उसकी ख़ताओं से दरगुजर कर लिया जाता है लेकिन ये मशरूत है उस तकलीफ़ को सब्र के साथ बर्दाश्त करने से अगर वो वावेला करता है नाशुरी के कलेमात कहता है तो तकलीफ़ तो ख़त्म नहीं होती लेकिन अजर ज़ायल कर दिया जाता है तो इसलिए हमें हर सूरत के अंदर सब्र के दामिन को मजबूती से थामने की तलकिन की गई है और अहिल ईमान को ये भी सबक दिया गया कि जब उन्हें कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं इन्ना ला व इन्ना अले है राज कि हम उसी के हैं और उसी के हुजूर पलट के जाना है तो ये वो अमर है कि जो उनकी तबीयत के अंदर ठहराव पैदा करता है और उनकी जिंदगियों के अंदर अल्लाह ताला जल्ला शाहू पर जो यकीन है उसका पता देता है अगर मुसीबत को अल्लाह की तरफ़ से समझ के मान के सब्र किया जाए उसको मकदूद समझा जाए उस पर वावेला ना किया जाए अल्लाह की नाफरमानी का को कोई कलेमा ना बोला जाए अपने अकीदे में तजलजुल ना आने दिया जाए अपने रवैयों की खूबसूरती को ज़ायल ना होने दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो शख्स मोमिन है उसका यकीन है कि ये अल्लाह की तरफ से है तो फिर उसके यकीन के सिले के अंदर अल्लाह उसको फिर हिदायत कल्ब का चराग नसीब करता है और फरमाएल्लुबिकल शह नलीम और अल्लाह हर शे को जानने वाला है उसे पता है के किसी पर मुसीबत नाजिल क्यों करनी है और इस मुसीबत से उसका इम्तहान लेना मकसूद है उसके दर्जों को बुलंद करना मकसूद है उसके गुनाहों को माफ़ करना मकसूद है उसको किसी आजमाइश में डाल करके उसको मजीद कुंदन बनाना मकसूद है या उसका क्या मकसूद है उसको सज़ा देना मकसूद है ये उसे पता है तुम्हारा रब तुम्हारी तरफ आने वाली जो तकलीफ़ें हैं उनके अंदर हज़ारहा पन्हा हमतों से वाक़ है यहाँ ये बात भी समझने के काबिल है कि जो शख्स मुसीबत के आने पर सब्र और इसकामत के साथ उससे निपटता है और अल्लाह पर जो उसका यकीन है उसमें तजल्जुल पैदा नहीं होने देता कुल कुल मिन दिल्ला ए महबूब फरमा दीजिए जो कुछ है वो तुम्हारे रब की तरफ से ये उसका ख्याल और फ़िक्र है कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से तो फिर उस मुसीबत को टालने वाला भी वही है तो अगर ये उसका अकीदा पुख्ता था तो फिर वो मालक की दहलीज छोड़ के मालिक की चौखट छोड़ के किसी और दहलीज पे नहीं जाएगा किसी और चौखट पे नहीं जाएगा वो उस मुसीबत को दूर करने वाला मौसर हकीकी अल्लाह को ही जानता होगा और उसी के हुजूर दुआएँ करेगा अल्तजाएँ करेगा किसी शिरक का इरतक नहीं कर सकता है और वो मालिक की दहलीस से कभी रू गर्दानी नहीं कर सकता बल्कि इस तकलीफ के आने से वो अपने रब के साथ और ज़्यादा जुड़ जाएगा और अगर वो सबर करे तो ये उसका एक मरतबा है कि वो हौसले के साथ उस तकलीफ को बर्दाश्त करे और दूसरा मरतबा जो इससे बढ़कर है कि उस पर अल्लाह की रज़ा के सांचे में अपने आप को ढाल ले कि जे सोना मेरे दुख विचराजी मैं सुख न डावा अगर वो इस बात पर राजी है तो कोई बात नहीं है मैं इस पर राजी हूँ क्योंकि मेरे रब की यह रजा है तो ये दोनों चीज़ों का मिल जाना या दोनों में से किसी एक का मिल जाना ये अल्लाह की तरफ से उसको दिया गया इनाम है जो इस मुश्किल हालात में उसको हासिल होता है अब वो किस कैफियत में है अल्लाह ताला उसको खूब जानता है कि वो इस पे सब्र कर रहे हैं या उसका अंदर डोल रहा है उसका अकीदा कमजोर था और वो कमजोरी के बायस जो है वो तजलजल का तजब्जुब का शिकार हो गया तो ये तुम्हारा रब खूब जानता है तो तुम्हारे सीने के अंदर छुपी हुई कैफियत तुम्हारे रब के इलम में है